टीम इंडिया के सामने अब न्यूजीलैंड की चुनौती है। न्यूजीलैंड हल्की बुल्की टीम नहीं है और अपने घर में तो वो और ज्यादा तगड़ा खेलते हैं। टीम इंडिया हालांकि जब पिछली बार न्यूजीलैंड खेलने गई थी T20 सीरीज में तो जीत दर्ज की थी, आपको याद होगा, दो दो सुपर ओवर हुए। अब ऐसे में इस बार क्योंकि ना रोहित शर्मा है, ना KL राहुल है, ना विराट कोहली है, इनके बिना टीम खेल रही है न्यूजीलैंड, तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड के कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, इस पर हम अपनी इस रिपोर्ट में नजर डालेंगे कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के किन प्लेयर्स से बचना होगा। अगर टीम इंडिया इन प्लेयर्स से बच गई तो फिर टीम इंडिया सीरीज जरूर अपने नाम करेगी और इतिहास रचेगी न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हराने का। तो कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं, एक एक करके सब पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हैं कप्तान केन विलियमसन। T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया था वो बहुत लाजवाब था। हालांकि टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हार गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जबरदस्त फॉर्म में, ये उन्होंने बता दिया। विलियमसन ने T20 विश्व कप की 5 पारियों में 35.60 की औसत से 178 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 61 का रहा है, यानी कि केन विलियमसन क्योंकि कप्तान भी हैं और शानदार बल्लेबाज हैं अपने घर में और अच्छा खेलते हैं, इसलिए सबसे बड़ा खतरा केन विलियमसन होगा। दूसरा खतरा ग्लेन फिलिप्स। T20 विश्व कप में ग्लेन फिलिप्स का बल्ला खूब बोला, 5 मैचों में उन्होंने 40.20 की औसत से और 158.27 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 201 रन बनाए थे। श्रीलंका के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने 64 गेंदों पर 104 रनों की शानदार पारी खेल दी थी, शतक लगा दिया था और तहलका मचा दिया था। तो दूसरा खतरा ग्लेन फिलिप्स है, उनसे भी टीम इंडिया को बचकर रहना पड़ेगा। अगला खतरा फिन एलन। फिन एलन ने T20 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में 16 गेंदों पर 42 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी उन्होंने। फिन एलन अभी तक 23 T20 मैच खेल चुके हैं, वो पहली बार भारत के सामने उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया उनका सामना कैसे करती है। अगला खतरा मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर विकेट लेने में माहिर। T20 विश्व कप में उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से शानदार गेंदबाजी की थी और कुछ 5 मैचों में लगभग 9 विकेट अपने नाम किए थे। टीम इंडिया को मिचेल सैंटनर से भी बचना होगा क्योंकि वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने साबित करके दिखाया है। तो ये वो कुछ तमाम क्रिकेटर्स हैं न्यूजीलैंड के जिनसे टीम इंडिया को बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चल गए तो फिर टीम इंडिया के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इन खिलाड़ियों से अगर टीम इंडिया बच गई, इनको आउट कर लिया या फिर इनको विकेट नहीं दिया, तो फिर टीम इंडिया की बल्ले बल्ले हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हम एक और सीरीज जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देख